तो गाइज आज की वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आ चुका हूँ टॉप 10 रोजों की टिप्स एंड ट्रिक, जो कि काफी ज्यादा इजी और सिंपल होने वाली है, जिनको आप रोजों के अंदर आसानी से यूज करके बंदों को मार सकते हो। तो टिप्स एंड ट्रिक एकदम मस्त जबरदस्त होने वाली है, बस वीडियो को अंत तक देखते रहो। और हाँ भाई देखो, 95% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज यार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, और हाँ वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब कभी भी आप इस वाले घर में और पास वाले घर में एनिमी आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सामने से ग्रेनेड थ्रो करने का ट्राई करते हैं। तो जब भी कोई बंदा ऐसा करे तो आपको क्या करना है कि पीछे आ जाना है और आपको गन को पीछे कर लेना है, और फिर आपको इस तरीके से इस साइड से भागते हुए जाना है और आपको जंप करके फटाफट पंच वाले बटन को दबा देना है, फिर आपको एक दो बार और जंप प्लस पंच करके आगे चले जाना है। और भाई जो भी बंदा यहाँ पर रहेगा तो आप उसको इजीली मार सकते हो। अब इस ट्रिक से मतलब कि बंदे को आपके फुटस्टेप का साउंड भी नहीं आएगा और भाई उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप यहाँ पे ऊपर आ चुके हो, और भाई आप उसको इजीली मार सकते हो। अगर एक दो बंदे हैं तो भाई यहाँ से आप जंप भी कर सकते हो, या फिर अगर मान लो कि पूरी स्क्वाड रहती है तो आपको यहाँ से जंप नहीं करना है, मतलब कि आपको छत के ऊपर ही रहना है और भाई आप ऊपर से उनको काफ़ी इजीली मार सकते हो। तो भाई इस ट्रिक को आप यहाँ पर यूज़ कर पाओगे तो भाई ये ट्रिक आपको बहुत बार काम आ जाएगी। ट्रिक नंबर 2 के लिए आपको चाहिए एक डासिया। आपको क्या करना है कि डासिया को इस तरीके से यहाँ से बूस्ट में भगा के लेके चले जाना है, और फिर आपको इस वाली जगह से डासिया को जंप करा देना है, तो आप इस वाली छत के ऊपर आ जाओगे। और जैसे आप इस वाली छत के ऊपर आ जाते हो तो भाई यहाँ पे जो भी बंदे रहेंगे तो आप उनको एकदम सरप्राइज अटैक दे पाओगे। अब भाई देखो, इस वाली ट्रिक को यूज़ करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मान लो कि आप अपनी स्क्वाड के साथ हो तो भाई तब इसका यूज़ कर लेना, लेकिन अगर आप अकेले हो तो आप अपने रिस्क पे ट्राई कर सकते हो। क्योंकि भाई देखो, अगर मान लो कि 2-3 बंदे यहाँ पे रहेंगे और अगर आप अकेले यहाँ पे आ गए तो वो आपको इजीली निपटा देंगे, तो इसलिए अगर आप अपने स्क्वाड के साथ हो तो भाई तब आप इस वाली ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। इस वाली ट्रिक का यूज़ करने से एक तो आपके टीममेट की नज़रों में आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ ये वाली ट्रिक आपको स्टंटमैन की फीलिंग भी देने वाली है। तो जब भी इस वाले शेक में कोई भी एनिमी हो, या फिर अगर मान लो कि सामने से कोई भी बंदा आपके ऊपर रस करता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जंप करके इस वाली दीवार के ऊपर चढ़ जाना है, फिर आपको अपने स्कोप को ओपन करना है और आपको पीक करना है। तो जैसे आप ऐसा करोगे तो आप यहाँ पे अंदर का पूरा व्यू ले पाओगे, और जो भी बंदा यहाँ पे इसके अंदर रहेगा तो आप उसको ईजिली मार सकते हो। और साथ ही साथ अगर मान लो कि सामने से कोई भी बंदा आपके ऊपर रस करता है तो उनके ऊपर भी आप यहाँ से एंगल ले पाओगे। तो कई की बार क्या होता है कि आपको इस वाले टेरिस के ऊपर इमरजेंसी में चढ़ना पड़ जाता है, मतलब कि अगर आपके ऊपर पूरी स्क्वाड रश कर रही हो तो भाई तब भी आपको इसके ऊपर चढ़ना पड़ जाता है। तो भाई जब भी आप इसके ऊपर चढ़ने का ट्राई करते हो तो आप क्या करते हो कि यहाँ पे या तो दरवाजे से चढ़ने का ट्राई करते हो, या फिर आप क्या करते हो कि इस साइड से चढ़ने का ट्राई करते हो, जिसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, और जब तक आप इसके ऊपर चढ़ते हो तो इतने में आपको एनिमी ईजिली निपटा देता है। तो भाई जब भी आपको इसके ऊपर चढ़ना हो, वो भी आपको 1 सेकंड के अंदर ही अंदर, मतलब कि आपको एकदम जल्दी से इसके ऊपर चढ़ना हो, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस तरीके से भागते हुए जाना है, फिर आपको जंप करना है और आपको अपनी स्क्रीन को इस टेरिस की तरफ घुमा देना है, और आपको जंप वाले बटन को लगातार स्पैम करते रहना है। तो भाई आप इसके ऊपर 1 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा, आप इजीली इसके ऊपर आ जाओगे, मतलब कि आपके ऊपर पूरी स्क्वाड रश करे या फिर आपके ऊपर 1-2 बंदे रश करे तो भाई आप इसके ऊपर एकदम क्विकली जा सकते हो, और आप उन बंदों को एकदम सरप्राइज अटैक दे सकते हो। तो भाई ये वाली ट्रिक आपको एकदम इमरजेंसी के अंदर काम आएगी, मतलब कि अगर आपको इसके ऊपर एकदम जल्दी से चढ़ना हो तो भाई इस ट्रिक का यूज करके आप इसके ऊपर जल्दी से चढ़ पाओगे। तो भाई इस वाली ट्रिक को भी आप कई बार यूज कर सकते हो। और ट्रिक नंबर 5 ये कि जब भी आप इस साइड में रहो और अगर मान लो कि इस घर में या फिर इस वाले घर में एनिमी हो और अगर आपको उनको मारना हो, तो आपको क्या करना है कि पहले तो यहाँ पे स्मोक कर देना है, जिससे साइड वाले घर का बंदा आपको नहीं देख पाए, और फिर आपको इस वाली दीवार के ऊपर चढ़ना है, फिर आपको इस वाले दरवाजे के ऊपर लेज ग्रिप कर लेना है, और भी आपको लगातार जंप वाले बटन को दबाते रहना है, तो आप इस वाली छत के ऊपर आ जाओगे। अब एक बार में नहीं आ पाओ तो भाई दोबारा ट्राई करो, मतलब कि 2-3 बार में आप इसके ऊपर काफ़ी इजीली आ जाओगे, और आपको यहाँ से जम करके फिर इस वाले छत के ऊपर आ जाना है, और भाई यहाँ से आप उन बंदे के ऊपर एकदम बढ़िया तरीके से एंगल बना सकते हो। लेकिन इस वाली ट्रिक का यूज़ करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, आपके पीछे कोई भी बंदा ना रहे, मतलब कि अगर आपके पीछे कोई भी बंदा रहेगा तो भाई फिर आपके ऊपर भी एकदम बढ़िया वाला एंगल बनेगा और वो आपको एकदम बढ़िया तरीके से मार देगा। तो ट्रिक आपके लिए थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, तो इस वाली ट्रिक को आपको थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना है। और ट्रिक नंबर 6 ये कि जब भी आप इस वाले घर में रहो और अगर आपके ऊपर कोई भी बंदा रश करने का ट्राई करता है, तो यहाँ पे आप एक छोटी सी ट्रिक लगा सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे लो टॉस में स्मोक इस तरीके से कर लेना है, और फिर आपको इस साइड में आके बैठ जाना है, और भाई देखो यहाँ से आप जैसे एफपीपी में स्विच करोगे तो आप मतलब कि उस बंदे को देख पाओगे जो भी यहाँ पे आपके ऊपर रश करेगा, और भाई वो बंदा आपको कितना कुछ भी कर ले लेकिन आपको नहीं देख पाएगा।
यानी कि उसको स्मोक के अंदर आप नहीं दिखोगे, लेकिन भाई आप यहाँ पे उसको स्मोक के अंदर देख पाओगे। तो इस वाली ट्रिक आप यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो भाई ये वाली ट्रिक भी आपको कई की बार काम आ सकती है। और ट्रिक नंबर 7 है कि जब भी इस घर में या फिर इस वाले घर में एनिमी हो और अगर आप इस साइड में रहो, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस वाले दीवार के ऊपर चढ़ जाना है, फिर आपको इस वाले दरवाजे के ऊपर जंप करना है। अब भाई एक बार में नहीं चढ़ पाओ तो दोबारा से आपको उसी ट्रिक को ट्राई करना है, और भाई आप इस वाले छत के ऊपर फिर काफ़ी ईजिली आ जाओगे। और जैसे आप इस वाले छत के ऊपर आ जाते हो, तो भाई यहाँ से आप उन बंदों के ऊपर एकदम बढ़िया एंगल बना सकते हो, और जो भी बंदा आपको यहाँ से दिखे तो आप उसको काफ़ी ईजिली मार पाओगे। तो भाई इस वाली ट्रिक का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और ट्रिक नंबर 8 है कि जब भी इन वाले घरों में एनिमी रहते हैं, तो ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं कि यहाँ पे क्राउच करके या फिर खड़े होकर ग्रेनेड को थ्रो करने का ट्राई करते हैं, जिससे उनकी बॉडी एक्सपोज हो जाती है और भाई सामने वाला बंदा उनको ईजिली मार देता है। तो जब भी इन वाले घरों में एनिमी रहें, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्रोन हो जाना है, फिर आपको आई बटन का यूज़ करके ग्रेनेड को थ्रो करना है, जिससे आप एग्जैक्ट लोकेशन पर ग्रेनेड को थ्रो कर पाओगे। मतलब कि आप बंदे के लोकेशन देख सकते हो कि कहाँ पे बंदा है, फिर आप वहाँ पे ग्रेनेड थ्रो करके उसको ईजिली नॉक फिनिश कर सकते हो। तो जब भी ये वाली सिचुएशन आ जाए, तो आपको इस तरीके से थ्रोबल्स का यूज़ करना है। और ट्रिक नंबर 9 है कि जब भी सामने की साइड एनिमी हो, तो आप यहाँ पे इस वाली छोटी सी विंडो से भी उनके ऊपर एंगल बना सकते हो। और इसका एडवांटेज ये है कि सामने वाला बंदा आपको नोटिस भी नहीं कर पाया कि आप यहाँ से भी उनके ऊपर एंगल बना सकते हो, यानी कि आप यहाँ से भी उनको मार सकते हो। तो भाई ये वाली ट्रिक भी आपको बहुत बार काम आएगी। और अगर आप स्नाइपर का यूज़ करते हो, तो स्नाइपर के लिए ये वाली ट्रिक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो भाई इस वाली ट्रिक का आप यूज़ कर सकते हो। और ट्रिक नंबर 10 है कि जब भी आप इस वाले घर की बालकनी के अंदर रहो और सामने कोई भी बंदा आके खड़ा हो जाता है, तो अगर आपको उसको सरप्राइज अटैक देना हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से जंप करना है, फिर आप इस वाले छज्जे के ऊपर आ जाओगे। और भाई यहाँ से आप मतलब कि उस बंदे के ऊपर एंगल बना सकते हो, और भाई आप उसको काफ़ी ईजिली मार सकते हो। अब भाई ये वाली ट्रिक आपके लिए तब बेस्ट रहेगी अगर मान लो कि आपके सामने कोई थोड़ा नूब बंदा हो। अब नूब मतलब कि उसको थोड़ा सा कम खेलना आता हो। अगर बंदा ज़्यादा प्रो रहा है, तो भाई देखो तब वो आपको इजीली मार सकता है, लेकिन अगर बंदा नॉर्मल है, तो भाई तब आप इस वाली ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। ये वाली ट्रिक भी आपको कई बार काम आ जाएगी। तो भाई यही थी आज की हमारी टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर देना, साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो मैं चलता मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।